आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रीयन मीठा रेसिपी या बेसन स्पाइसी करी। इसके लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 4 हरी मिर्च, 8-10 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 कप बेसन, थोड़ा सा धनिया पत्ती कट करके, थोड़ा स्वादानुसार नमक, 3 टेबलस्पून ऑयल, ये मैंने थोड़ा सा हींग लिया है जो मुझे थोड़ा सा चाहिए, और 3.5 कप पानी। ये प्याज, हरी मिर्च और लहसुन मैंने एक साथ बारीक कट करके लिया है। आइए बेसन बनाना चालू करते हैं। मैं गैस ऑन करती हूँ। पहले मैं उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल गरम होने के बाद ये मैं राई इसमें डाल रही हूँ, 1 चम्मच राई। राई फूटने लगेगी हम उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। राई फूटना चालू हो गया है, मैं गैस कम कर देती हूँ और उसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता थोड़ा संभाल के डालो। अब मैं उसमें थोड़ा सा हींग डालती हूँ, आधा चम्मच हींग मुझे उसमें डालना है। मैं उसमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन जो मैंने बारीक काट करके लिए थे वो डाल रही हूँ। जब तक ऑनियन ब्राउन होता है मैं बेसन का घोल बना लेती हूँ। इस बाउल में मैं ये बेसन डाल लेती हूँ। इसमें मुझे 1 कप पानी लेना है। इसको बेसन में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए दूसरी तरफ मैं ऑनियन की तरफ देखती हूँ। अब मैं उसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली। ये धनिया पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं ये बचा हुआ पानी उसमें डालती हूँ। थोड़ा पानी मैंने बचा लिया है उसमें का। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डालती हूँ। अब इसमें मैं ये बेसन का घोल डालती हूँ। गैस को थोड़ा कम कर देती हूँ। ये बेसन का घोल मैं उसमें डाल रही हूँ और साथ ही में मैं चम्मच से उसे हिला रही हूँ। ये बचा हुआ पानी मैं उसमें डालती हूँ और ये पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये धनिया पत्ती मैं उसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर से डालने के लिए रख रही हूँ। बेसन को थोड़ा हिलाना है ताकि गुठलियां ना हो जाए। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब मुझे उसे पकने देना है, मैं उसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ।
5-7 मिनट हो गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, हमारा पिठला बनके तैयार हो गया है। अब मैं उसमें ये थोड़ा जो धनिया पत्ती मैंने बचा के रखी थी वो मैं गार्निशिंग के लिए डालती हूँ। ज़्यादा धनिया पत्ती से और भी अच्छा टेस्ट आता है। हमारा पिठला बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।